एक दिन नीमा बहुत देर से स्कूल लौटी। उसके माता पिता एवं दादा दादी चिंतित थे। अंततः वह घर पर एक नन्हा पौधा लिए हुए पहुंची। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसने और उसके सहपाठियों ने कुंभकोणम में लगी आग में मारे गए बच्चों की याद में 94 नीम के पौधे लगाने का निश्चय किया। इसी कारण वह लेट हो गई। नीमा के विद्यालय में 94 बच्चों की स्मृति में नीम के पेड़ लगाने का निश्चय किया। नीमा ने अपने दादा दादी को नीम का पौधा दिखाया। उसकी दादी ने बताया कि उसके दादाजी को नीम के पेड़ के बारे में बहुत जानकारी है। नीमा जानने के लिए उत्साहित हो गई। उसके विद्यालय में अगले सप्ताह विज्ञानी प्रदर्शनी थी। उसने सोचा वह इस जानकारी को शो बनाने के लिए प्रयोग करेगी। नीमा के दादा नीम के अनेक उत्पाद प्रयोग करते थे। उन्होंने बताया कि ये उत्पाद किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। उन्होंने बताया कि नीमा के पिता एक डॉक्टर बनना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें नीम के वृक्ष से अनेक दवाइयां बनाते देखा था। दादाजी ने नीमा को बताया कि नीम कीड़ों को भगाने वाला, हवा को ठंडा रखने वाला वृक्ष है तथा अनेक रोगों के लिए दवा है। नीम के वृक्ष के नीचे का तापमान आसपास की अपेक्षा 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। नीम का वृक्ष शीघ्रता से बढ़ता है। इनकी आयु सैकड़ों वर्ष होती है। उसके दादाजी ने यह भी बताया कि उसका नाम नीम के वृक्ष पर ही है तथा वह नीम की तरह ही अनोखी है। नीम का प्रयोग भारत में शताब्दियों से एक दवाई के रूप में होता रहा है। धन्यवाद।